बड़े प्यार से उसने मुझे बुलाया था, बड़े प्यार से उसने मुझे समझाया। आज तुम बड़े प्यार से मुझसे बात कर रहे हो, क्या बात है? बड़े प्यार से मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, एक बार खा तो लो। हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। वेल, ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है? जहाँ पर हम लोग यूज करते हैं बड़े प्यार से, तो इस फ्रेज के लिए हम लोग इंग्लिश में क्या क्या यूज कर सकते हैं? बड़े प्यार से, तो इसके लिए आप कह सकते हैं विद ग्रेट लव। विद ग्रेट लव मीन्स बड़े प्यार से, या नहीं तो यहाँ पर यूज कर सकते हैं वेरी लविंगली। वेरी लविंगली किस तरीके से, आइए स्ट्रक्चर जानते हैं। सबसे पहले लगाएंगे सेंटेंस, सेंटेंस जो भी रहेगा उसको लिख दीजिए और लास्ट में लगा दीजिए विद ग्रेट लव या नहीं तो वेरी लविंगली। आप चाहे तो विद ग्रेट लव को स्टार्टिंग में भी राइट कर सकते हैं, बस बशर्ते उसके बाद कमा देंगे फिर लिखेंगे सेंटेंस। वेरी लविंगली को लास्ट में ही लिखिएगा। अगर लविंगली को वर्ब के पहले लिखते हैं तो वेरी नहीं लगेगा। ऐसे भी सेंटेंस बोले जाते हैं, कुछ लोग बोलते भी हैं, आपको सेंटेंसेस से और भी क्लियर होंगे। अब इस स्ट्रक्चर को बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, बड़े प्यार से उसने मुझे बुलाया था। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा ही कॉल्ड मी वेरी लविंगली। ही कॉल्ड मी वेरी लविंगली यानी तो ही कॉल्ड मी विद ग्रेट लव। ही कॉल्ड मी विद ग्रेट लव। अगर बुलाने का सेंस इनवाइट करने का सेंस हो तो कॉल्ड के जगह इनवाइटेड का यूज करेंगे। ही इनवाइटेड मी वेरी लविंगली। नेक्स्ट सेंटेंस, बड़े प्यार से उसने मुझे समझाया। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा ही मेड मी अंडरस्टैंड वेरी लविंगली। ही मेड मी अंडरस्टैंड वेरी लविंगली यानी तो विद ग्रेट लव ही मेड मी अंडरस्टैंड। विद ग्रेट लव ही मेड मी अंडरस्टैंड। मेक समवन अंडरस्टैंड मीन होता समझाना। नेक्स्ट सेंटेंस, आज तुम बड़े प्यार से मुझसे बात कर रहे हो, क्या बात है? तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा टुडे यू आर टॉकिंग टू मी वेरी लविंगली, व्हाट्स द मैटर? टुडे यू आर टॉकिंग टू मी वेरी लविंगली, व्हाट्स द मैटर? यानी तो टुडे यू आर टॉकिंग टू मी विद ग्रेट लव, व्हाट्स द मैटर? नेक्स्ट सेंटेंस, बड़े प्यार से मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है या खाना पकाया है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा विद ग्रेट लव आई हैव कुक्ड फॉर यू। विद ग्रेट लव आई हैव कुक्ड फॉर यू। आई हैव को शॉर्ट में आई पढ़ा जाता है। हे दोस्तों, इससे जुड़े मैं आपको एक संदेश दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। बाय बाय।